नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। पठानकोट हमला मामले में भारत से पाकिस्तान ने मांगे और सबूत। भारत के पठानकोट एयरबेस पर आतंकवादी हमले की जांच कर रहे संघीय सरकार के दल ने जांच में अब तक कोई प्रगति नहीं होने के कारण विदेश मंत्रालय से आग्रह किया है कि वह भारत से और सबूत की मांग करे। जांच दल ने भारत द्वारा दिए गए उन 5 टेलीफोन नंबरों की जाँच कर ली है जिनका उपयोग पाकिस्तान से भारत को टेलीफोन करने के लिए किया गया था। इन टेलीफोन नंबरों की जाँच से कुछ पता नहीं चल सका है। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल के राज्यपाल को जीआरई नोटिस वापस लिया। उच्चतम न्यायालय ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की याचिका पर पिछले दिनों राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा को जारी नोटिस सोमवार को वापस ले लिया। न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी और राज्यपाल के वकील सत्यपाल जैन की दलीलें सुनने के बाद कहा कि वह पिछले दिनों जारी नोटिस वापस लेती है। रोहतगी ने रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत सरकार के मामले में एक संविधान पीठ के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। गौ हत्या मामले में भाजपा नेता पर रासुका पार्टी से निष्कासित। मध्य प्रदेश भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के एक नेता पर उनके आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले उन्हें देवास जिला अंतर्गत अपने घर पर गौ हत्या के मामले में आरोपी बनाया गया था जिसके बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। जिला कलेक्टर आशुतोष अवस्थी ने बताया कि पिछले आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए अनवर मेयो पर 28 जनवरी को रासुका लगाया गया था। भाजपा की राज्य इकाई के प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने इस बात की पुष्टि की है। सीरियाई शांति वार्ता पर खतरे के बादल। सीरिया की राजधानी दमिश्क के जेनाव जिले में रविवार को हुए 2 आत्मघाती हमलों में 72 लोगों की मौत के बाद जेनेवा में हो रही शांति वार्ता पर खतरे के बादल छाने लगे हैं। शांति वार्ता में पहली बार हिस्सा लेने जेनेवा पहुंचे सीरिया के मुख्य विपक्षी दल हाई निगोशिएशन कमेटी ने राजधानी में हुए विस्फोट की कड़ी निंदा करते हुए सरकार से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात दोहराई है। HNC ने एक बयान में कहा कि वे चाहते हैं कि शांति वार्ता सफल हो, लेकिन इससे पहले सरकार को बेगुनाह नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। बोको हराम के हमले में 86 लोगों की मौत। उत्तरी पूर्वी नाइजीरिया के एक गांव पर शनिवार को बर्बर आतंकवादी संगठन बोको हराम के हमले में 86 लोग मारे गए। आतंकवादियों ने ग्रामीणों की झोपड़ियों में आग लगा दी, आग से बच्चे भी जीवित जल गए। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि आतंकवादियों ने दलोरी गांव की झोपड़ियों पर शनिवार की शाम को बमों से हमला किया और नागरिकों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। गांव की गलियों में गोलियों से छलनी ग्रामीणों के शव बिखरे देखे गए। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।